चैंपियन से वाडिया से मुलाकात करने पहुंचे हैं विशाल जूट जो ऑस्ट्रेलिया में जिसकी गिरफ्तारी हुई है छात्र की उसके विरोध में बड़ी संख्या में नौजवान किस तरह से एमपी संजय भाटिया के कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम विशाल की रिहाई के लिए हम करनाल से सांसद संजय भाटिया जी उसको ज्ञापन देने के लिए आया कि विशाल को रिहा करो। उसने कोई गलत काम नहीं किया था, अपने तिरंगे का सम्मान किया तो उसने ऑस्ट्रेलिया में जिसके खिलाफ खालिस्तानियों ने साजिश के तहत उसको फंसा के जेल में डलवा दिया। और हम ये चाहते हैं संजय भाटिया हमारे सांसद जो कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जीपीएसयू के प्रधान है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों सड़कों पर उतरे और किसे मिले आए? हमारे भाई विशाल झूठ को ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार कर किया गया और हमारे भारत माता की झंडे की जान और माल की हानि थी तो इज्जत बचाने के लिए उन्होंने झूठे रूपों में गिरफ्तार कराया गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम पेशाब से मांग करना चाहेंगे हमारे भाई को जल्दी से रिहा करा दिया जाए और गृह मंत्रालय से भी अपील कर रहे हैं। संजय भाटिया के कार्यक्रम के बाहर पहुंचे जस्टिस फॉर विशाल जूड़, आप देख सकते हैं जस्टिस फॉर विशाल जूड़। और किस तरह से समय रोड महासभा के जो प्रधान है नसीब सिंह वो मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, कहां पर पहुंचे हैं एमपी संजय भाटिया? सभी साथियों की एक मांग है विशाल को जल्दी से जल्द रिहा किया जाए। मुलाकात करने पहुंचे हैं, अभी एमपी साहब से मुलाकात करेंगे फेयर के माध्यम से। विशाल का कोई भी कसूर नहीं है, सिर्फ अपने देश हित के लिए उसने नारा दिया था उसका बेकसूर है बिल्कुल साफ ही। तो हमें हमारी सरकार से अक्सल अफेयर से और एमपी से मांग है भी इसके माध्यम से एक ज्ञापन दे और उसको जल्द से जल्द रिहा करने का काम करे। नसीब सिंह है रोड महासभा के प्रधान और बड़ी संख्या में युवा नौजवान जस्टिस फॉर विशाल जोड़। जी हां, जस्टिस फॉर विशाल जोड़ जो ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार हुआ और जानकारियां मिली है कि भारतीय ध्वज तिरंगे झंडे का वहां पर अपमान कुछ लोग कर रहे थे जिसके बाद जब उसने विरोध करा तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है जिसके बाद आप देख सकते हैं रोड समाज में अन्य समाजों से युवा बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं तमाम लोग युवा ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। रोड महासभा के प्रधान यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरह से विशाल जूड़ जो ऑस्ट्रेलिया में 3 से 4 साल से वहां पर गया हुआ था और 2 से 3 महीने पहले उसकी गिरफ्तारी हो जाती है जिसकी रिहाई की मांग को लेकर रोड धर्मशाला में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और जिसके बाद जैसे जानकारी मिलती है कि करनाल के प्रेम प्लाजा में एमपी संजय भाटिया का प्रोग्राम चल रहा है तो उनसे मुलाकात करने यहाँ पर बड़ी संख्या में जो यूथ है वो यहाँ पर पहुंच जाता है। हालांकि एहतियात के मद्देनजर इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं प्रेम प्लाजा होटल से जहां पर किस तरह से बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो भी एहतियात के मद्देनजर यहां पर तैनात कर दी गई है और बड़ी संख्या में जो युवा नौजवान हैं वो यहां पर पहुंचे हैं जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। विशाल जूड़ के जो पिता हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके भाई भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। समय आप देख सकते हैं जस्टिस फॉर विशाल जूड़, जी हाँ जस्टिस फॉर विशाल जूड़। विशाल जूड़ जो करनाल के कलेड़ी गांव का रहने वाला था और इस समय जो परिवार है वो कुरुक्षेत्र में रह रहा था उनको इंसाफ दिलवाने के लिए उस छात्र की रिहाई को लेकर बड़ी संख्या में जो नौजवान है वो देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर उतरे हैं। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं तो तमाम नौजवान है बड़ी संख्या में उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के होटल प्रेम प्लाजा के बाहर बड़ी संख्या में युवा नौजवान यहां पर पहुंच चुके हैं जिसकी लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं। एमपी संजय भाटिया से मुलाकात की जाएगी, ये लाइव तस्वीरें करनाल के प्रेम प्लाजा होटल के बाहर से देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे विशाल जूड़ जिनका परिवार इस समय कुरुक्षेत्र में रह रहा है हालांकि कलेड़ी गांव के रहने वाले वे बताए जा रहे हैं और 2 से 3 महीने पहले विशाल जूड़ की जो गिरफ्तारी है वो ऑस्ट्रेलिया में होती है और किस तरह से जो तमाम परिवार के लोग हैं वो सांसद संजय भाटिया से मुलाकात करने करनाल के होटल प्रेम प्लाजा में पहुंचे हैं क्योंकि यहां पर बीजेपी पार्टी की जो एक मीटिंग है वो यहां पर चल रही है जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो इस समय ताऊ हैं, एक उनसे जानना चाहेंगे ताऊ जी क्या करने पहुंचे हैं सांसद संजय भाटिया से मुलाकात करने। संजय भाटिया पर पहुंचे हम
जो विशाल लड़का ऑस्ट्रेलिया की जेल में हवालात में दे रखा और उसे आज़ाद कराने के लिए, रिहा कराने के लिए भारत सरकार पहला स्टेप यहाँ से शुरुआत करते हैं और हमारी आवाज को आगे पहुँचाई जाए, यही सरकार से हाथ जोड़ का बेनती है। संजय भाटिया से मुलाकात करने पहुँचे हैं, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं हमारी, आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो एमपी संजय भाटिया से मुलाकात करने पहुंचे हैं, रोड महासभा के प्रधान हैं नसीब सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या बात हुई सांसद संजय भाटिया से? सर अभी अभी संजय भाटिया जी हमारे जो एमपी हैं सभी साथियों से मिलने के लिए आएंगे और हम यही आशा करते हैं कि हमारे पक्का एक आश्वासन दे भी समाज का जो हमारा साथी है देश हित के लिए लड़ा हो उसको जल्दी जल्दी रिहा करने का काम करेंगे। इस समय राजकुमार हैं, राजकुमार जी क्या कहना चाहेंगे, क्या बात है और जिसको लेकर यहाँ पहुँचे हैं और जस्टिस फॉर विशाल जोड़ लगातार सोशल मीडिया पर पिछले 48 घंटे से देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें विकास जूट जी को जो गिरफ्तारी दी गई है हम चाहते हैं कि उनको रिहा किया जाए जल्दी से जल्दी और जो अपने एमपी साहब हैं हमारी उनसे निवेदन ये रहेगा कि विदेश मंत्री जी से एमपी संजय भाटिया देख सकते हैं कि किस तरह से रोड महासभा से मुलाकात करने उनके बीच में पहुंच चुके हैं। जी हाँ ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं एमपी संजय भाटिया रोड महासभा के बीच में पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं एमपी संजय भाटिया से मुलाकात करने पहुंचे हैं इस समय, ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें, बड़ी संख्या में युवा नौजवान एमपी संजय भाटिया से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से रोड महासभा के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरह से जस्टिस फॉर राहुल जोड़ जो एक युवा छात्र था ऑस्ट्रेलिया में उसकी गिरफ्तारी हुई है जीबीएसयू ग्रुप यहाँ पर पहुंचा है जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखे जरूर शेयर करें, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं एमपी संजय भाटिया यहाँ पर पहुंचे हुए उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखे इस खबर को जरूर शेयर करें। हमारा आपसे विशेष आग्रह है पहली बात कि हमारे देश का हेलो चुप हो जाए बेटे, हमारे देश का एक बच्चा दूसरे देश की जेल में बंद है तो अगर हम लोगों को जी बाहर से आए एक ये किसी के बुलावे पे नहीं आए, किसी नेता ने नहीं इनको बुलाया, कोई यहाँ पे किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, अगर ये लोग आ सकते हैं हम आपके पास अभी आए, हम ये नहीं कह रहे कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हम आपके पास आए आपके पैर पकड़ते हैं, बच्चे के माँ बाप आए हैं, माँ चल नहीं सकते। विशाल जुड़ के फादर भी यहाँ पर पहुंचे हैं एमपी संजय भाटिया से मुलाकात करते हुए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की जितने भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को जरूर शेयर करें। विज्ञापन तो आपको हम देंगे, हमें विदेश मंत्रालय में मिला जाए ताकि इस बच्चे की रिहाई हो जाए। कुछ विशेष धर्म के जो यहाँ पे भी लोग गलत है, यहाँ पे भी खालिस्तान का नारा लगाया गलत है, लेकिन अगर कोई मेरे देश के झंडे का अपमान करेगा ना, चाहे मेरी माँ हो चाहे मेरा बाप हो, उसकी गर्दन काट देंगे हम, गर्दन काटनी चाहिए काटनी चाहिए नहीं, आप बताओ ना देश का बड़ा अपमान करेगा झंडे का कहीं भी करे विदेश में करे, मोदी जी के बारे में गलत बोलना कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे विरोध हो सकते हैं वो गलत है सही है, लेकिन विदेश की धरती पर जाकर मोदी जी के बारे में गलत बोलना ऐसा गलत बोलना सर जी ये उसका लड़के का डैडी है क्या ये सही है जी? तो आपसे आग्रह है जी मतलब इसको ये तक ही 2 महीने से बंद है सर कि आप जल्दी से जल्दी प्रार्थना करते हैं आपसे कि इस चीज को सोल्यूशन दे विदेश मंत्रालय से हमें सिर मिलवा दें, जो वहाँ की एम्बेसी है वो भी उस बच्चे को वहाँ पे एसएससी मिलने नहीं गया, अब तक मिलने नहीं दिया इनके बच्चे, देखिए हमारा कानून भी है कोई अगर जेल में होता है माँ बाप से भाई बहन से बात कराई जाती है और हमारे कानून से तो 1000 गुना बेटर कानून है ऑस्ट्रेलिया के या दूसरे देशों के, लेकिन आपको सोच के बड़ी हैरानी होगी कि ये बाप अपने बेटे से आज तक फोन पे वीडियो कॉल तो क्या बात भी नहीं कर पाया, तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा सर, कुछ ना कुछ तो गलत होगा, वीडियो आप दे सकते हैं 1500 की भीड़ में अगर एक बच्चे ने हम अपने जो हमारे देश के लिए वो हुए उनकी मूर्तियाँ लगाते हैं फोटो लगाते हैं उनमें माल्यार्पण करते हैं संसद में फोटो लगाते हैं, जो एक जिंदा जागती मूर्त है जिसने भारत के झंडे के लिए कुचल रहे थे जिसने उसके लिए जेल गया, अगर हम अब भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाए तो हम सब पे लानत है लानत है लानत है।
तो आपसे हम आग्रह करते हैं जी, मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, हम चार आदमी पांच आदमी जैसे आप गए, हमारे प्रधान जी खड़े हैं, हमारे प्रधान जी नहीं सारे समाज के प्रधान है जो, ये खाली रोड जाट उसकी बात नहीं है, इसने तो हमें पहली मार रखा है, यहाँ सारे भारतीय खड़े हैं, भारतीय हमारे इसमें सिख भाई भी होंगे, अरे नहीं है तो आ जाएंगे, हमने तो उनसे भी आग्रह किया है कि आप लोगों में से कुछ बेकार लोगों ने इनको फंसाया है, तो आप में से 98 लोग अच्छे भी हैं, हमारे से पहले तो आप छुड़वाओ इनको, भाईचारे की मिसाल हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे परिवार ने? जी 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 बाद में भी चल जाएगा, ये तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज्ञापन लेते हुए नजर आ रहे हैं सांसद संजय भाटिया, इस समय जो रोड महासभा के प्रधान हैं वो इस समय यहाँ पर मेमोरेंडम देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उनके पिता इस समय यहाँ पर पहुंच चुके हैं, विशाल जूड़ के जो पिता हैं, जिनका बेटा इस समय ऑस्ट्रेलिया की जेल में है। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। भाई चुप हो जाओ सर। सबसे पहले मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आपने एक देशभक्त बच्चे को पैदा किया। वाह भाई वाह, माता की जय। हमारे लिए तो भगत सिंह ही हो के बाप ही हुआ। अब तक तो आपका बेटा था वो, अब वो हमारा बेटा भी है, हमारा भाई भी है। अब आज इस बात के लिए आप निश्चिंत होके जाओ, खाली सरकारी स्तर पर नहीं। मेरे को एक बात की मैं बड़ा इस मामले में घटना बड़ी दुखदाई है कि अपने देश की विदेशी धरती पर भी चिंता करने वाला, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि उसके साथ क्या घटना घटी, उसके साथ कुछ भी घट सकता था, लेकिन उस बच्चे ने देश की आन पर, मैं उसको सल्यूट करता हूं और आपको बिल्कुल निश्चिंत करता हूं, सरकारी स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी, मैं ये मानता हूं जैसे मेरा बच्चा जेल में है, मैं उतनी ताकत लगा के पूरी लगाऊंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए, मतलब मैं, आप मेरे पास आए कुरुक्षेत्र से, मुझे मैं देखो, मैं बता नहीं सकता कि मेरे अंदर कितना भाव है इस समय। हाँ जी, मैं ये नहीं कहता कि जब भी मेरे पास कभी किसी ने आवाज मारी है, मैं अपनी आत्मा से पूरी ताकत से हर काम के अंदर प्रयास किया, चाहे भी दिन मैं अभी रोड महासभा के खड़े हैं, इनकी जानकारी में भी है, पिछले दिनों कुछ घटना घटी थी, आप देखो कि मैंने अपने सिर पे लेके उस मामले को भी निपटाया, कुछ छुपा हुआ नहीं है, छुपा नहीं है। तो आप इस बात का विश्वास करो कि ये हमारे देश की शान है और इसको अपने देश की धरती पे लाएंगे भी सही, और एक हीरो की तरह इस आदमी का स्वागत भी, अपने बच्चे का स्वागत करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं इसके लीगल एस्पेक्ट भी सारे निकाल लेता हूँ, कोई वकील बड़े से बड़ा वकील करना पड़ेगा, आप निश्चिंत रहो, हम हर चीज का खर्चा भी, हर चीज नहीं, नहीं, आप, आपको कोई तकलीफ नहीं, करोड़ रुपया बोलो, 10 मिनट में देंगे, कोई जरूरत नहीं है, देंगे 10 मिनट, किसी जरूरत नहीं, बच्चा बाहर चाहिए, किसी जरूरत नहीं, ये जो हमारे देश की शान है, कोई जरूरत नहीं। मेरे खुद के, मेरा काम जो एडमिनिस्ट्रेटिव देखते हैं चोपड़ा जी, मैं अब नाम का कोई महत्व नहीं है, इस तरह के कई केसेस जो व्यक्तिगत हुए, कई एम्बेसियों में, कई बाहर की सरकारों में जो बच्चे फंसे, उनको इस बात की नॉलेज है, वो विदेशों में रहे हैं, जो मेरा काम देखते हैं, दिल्ली के अंदर बैठते हैं, उनके माध्यम से ये कार्रवाई अभी 5 मिनट के अंदर शुरू है, और सरकारी स्तर पर किसी भी, चाहे फॉरेन मिनिस्टर है, चाहे कोई कहीं भी बात करनी पड़े, मैं 100% बात करूंगा। मुझे एक नाम दे दो जो इस केस को अब तक जिसने डील किया है उसका नाम दे दो, मैं उनसे संपर्क में रहेंगे, उनको मैं अपडेट देता रहूंगा। सांसद संजय भाटिया परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी तरफ से आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं कि हर कीमत पर वह विशाल को बाहर रिहा कराकर छोड़ेंगे। ठीक है भाई, ये आपका नंबर चेक कर लो, 8929422022, यही है ना? ठीक, आप बेफिक्र, ये मैं आपको धन्यवाद जी, बहुत मैं, अब आपकी ड्यूटी खत्म, मेरी शुरू है। संजय भाटिया बना रहे, आगरा उतर रहे ना, बनती है, बनती है, मेरी जिंदगी में बनती है, बनती है, मैंने कभी भारत।
माता की लाल भारत माता की जय 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 संजय भाटी हमारे साथ है, उनसे भी जानना चाहेंगे। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस खबर को देखें इस खबर को जरूर शेयर करें। पूरा आश्वासन दिया गया है सांसद संजय भाटिया की तरफ से कि वे इस नौजवान को रिहा कराने में सर क्या कहना चाहेंगे। परिवार के लोग मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे सर? अभी एक जो हमारे देश के विरोध जो ताकतें लगी हुई है, जो ये चाहती है कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसी ताकतों ने जब हिंदुस्तान के झंडे का अपमान करना चाहा, तो हिंदुस्तान की एक धरती का बच्चा जो विदेश की धरती पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिसाल अपने बच्चे ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन अपमान करने वालों को चेतावनी दी भी गलत काम मत करो और हिंदुस्तान के झंडे की रक्षा की, उसके बावजूद ये बड़ी हैरानी की बात है कि वो बच्चा जेल के अंदर है, उसके ऊपर मुकदमा बनाया गया। आज ये मेरे जिम्मेवारी लगा के जा रहे हैं, मैं आप मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को पूरे दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि लड़ाई आज से संजय भाटिया की शुरू है, किस हद तक भी जाना पड़ेगा मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। अभी पांच मिनट चाचा, इनको फ्री करके फिर आप भाटिया जी परिवार ने मांग रखी है कि विदेश मंत्री से मिलना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने मांग नहीं रखी, इस काम के लिए किसी से भी मिलना पड़ेगा, मैंने बताया इस बात के लिए किसी से भी मिलना पड़ेगा। आज से मेरी कार्रवाई शुरू है, परिवार को मिलाना है, मैंने मिलना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करानी है, कुछ भी करानी है। हमारे हरियाणा का बच्चा है, हमारा अपना बच्चा है, हम देश के लिए उसने लड़ाई लड़ी है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं एक बात और चाहता हूँ आपसे, आकर्षण जी हो, मिड्डा जी हो, आप सब जो चैनल वाले हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये मामला दलगत राजनीति से ऊपर का है। हर बात के अंदर हम कई बार नेगेटिविटी ढूंढते हैं, कई बार ये चाहते हैं, कई बार हम संजय भाटिया ने ये कहा, हम दूसरे के बाइट लेने के लिए चले जाते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, आपका काम है, लेकिन इस काम के अंदर एक जनून पूरे देश में फैलना चाहिए और पूरे देश का बच्चा एकजुट होकर इस विशाल की लड़ाई को लड़े, इसकी जागरूकता आपने कर दी। विदेश में एक माहौल युवाओं में बिगड़ रहा है, पिछले काफी समय से ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और इस समय जो युवा है आमने सामने खड़े हैं पाकिस्तान को लेकर, आप मेरे भाई हो, बिल्कुल आप सदा संघर्ष करते हो, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। इस कोरोना काल में आपने जिस तरह लड़ाई लड़ी, मैं मीडिया और खासतौर पर करनाल के मीडिया का बड़ा शुक्र गुजार हूँ। मैं कहता हूँ कि आप केवल राजनीतिक दृष्टि से दूर हटकर आज मोदी जी का विरोध करने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की चाहत रखने वाले हैं। आज उन सारी ताकतों के पीछे, चाहे कोई भी ताकत है जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती है, मैं कहता हूँ हर मुद्दे में, चाहे शाहीन बाग का रहा, चाहे उसके बाद के मुद्दे रहे, ये जो सारे के सारे चेहरे वही दिखते हैं उन सारे कामों के अंदर। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से बेनकाब हो। जब हम बोलते हैं तो ये कहा जाता है कि बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ निष्पक्षता जाती है। हमारे बुरे काम का डटकर आपको भी विरोध करना चाहिए, लेकिन कुछ काम जो हम समाज के अच्छे के लिए करते हैं, आपसे मदद की उम्मीद रखते हैं। ये मुद्दा मैं कहता हूँ बिल्कुल आप पॉलिटिसाइज ना करना कि बीजेपी के नेता संजय भाटिया ने कहा, बीजेपी के सांसद संजय भाटिया ने कहा। आप ये कहना कि इंसानियत के नाते, देशभक्ति के नाते पूरा देश एकजुट होगा और 36 बरादरी एक होगी, कोई भेद नहीं, कोई कुछ नहीं, इस बात को लेकर चलना। विशाल की रिहाई को लेकर किस तरह से सांसद संजय भाटिया ने पूरा आश्वासन दे दिया है, और इस समय तमाम लोग खास तौर पर रोड समाज में अन्य समाजों से जुड़े जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। युवा यहाँ पर है, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पूरा आश्वासन दे दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे राजकुमार जी? पूरा आश्वासन दिया है सांसद संजय भाटिया ने, क्या कहेंगे जी? हाँ जी कमल जी, एमपी साहब ने हमारे पूरा आश्वासन दिया है कि चाहे उन्हें अपने पर्सनल स्तर पे या गवर्नमेंट की तरफ से कोई हायर लेवल पे कोई एडवोकेट भी करना पड़े तो वो करेंगे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो हमारे साथी अंदर हैं, जेल में हैं, उनको बाहर निकालने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा, और हमें भी एमपी साहब की बात पे पूरा विश्वास है कि हमारे इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये रोड समाज की बात नहीं रही, 36 बिरादरी के जो युवा नौजवान है वो सभी साथ हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सभी? बिल्कुल कमल जी, मैं ये नहीं कहता कि ये एक पर्टिकुलर एक समाज की बात है, ये पूरे 36 बिरादरी की बात है, अपने देश की आन बान और शान की बात है। जिस तरह से हमारे ध्वज को वहाँ पे, तिरंगे झंडे को वहाँ पे नीचे पैरों के नीचे रौंदा गया, और हमारे एक साथी ने, जूट साहब ने, वहाँ उस झंडे का सम्मान करते हुए, देश का सम्मान करते हुए आवाज़ उठाई थी, और इसी में उनको जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है अंदर किया गया, तो उसमें एमपी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हमारा साथी जल्द से जल्द
जो जेल में है वहाँ से बाहर रिहा हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे सर, एमपी ने आश्वासन दिया? हाँ जी, हम एमपी साहब की बातों से बहुत संतुष्ट हुए और मुझे लगा कि हमारा लड़का जल्दी जुट जाएगा बाहर से। पूरा आश्वासन है, उन्होंने अपनी तरफ से भी पूरी जिम्मेवारी ली है। नहीं, आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन मिला और क्या बात कहेंगे? कमल जी है जी, हमारे वहाँ पर हजारों युवा अपने भविष्य के लिए गए हैं जी वहाँ पर, तो उसकी जगह जी कोई और होता वो भी यही करता जी। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ जी, ये उनको न्याय दिलाया जाए जी। तो बिल्कुल, इस समय विशाल के जो पिता हैं और जो फादर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। विशाल जूड़ के फादर इस समय हमारे साथ मौजूद है। विशाल जूड़ के फादर सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे बेटे की रिहाई को लेकर, क्या कुछ बात हुई सांसद संजय भाटिया ने? पूरा आश्वासन दिया आपको? हाँ जी, पूरा आश्वासन दिया, अभी से 5 मिनट में कार्रवाई शुरू कर दूंगा जी। पूरा विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है जी, अभी मेरे को पूरा विश्वास दिया। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, मेरी अच्छी से बात सुनी और अच्छे। देखिए, युवाओं से अपील करेंगे जो विदेश में रह रहे हैं कि इस तरह से आपस में खालिस्तानी भारतीयों को लेकर ना लड़ा जाए। ये मेरे सबसे पहले वकील है, सारे अपने भाई हैं, सिख भाई भी अपने हैं, ठीक है, खालिस्तानी एक दो होंगे घटिया किस्म के, बाकी सारे एक्सरे नहीं होते, बाकी सब मिलजुल के रहे और इसके इस भाई का साथ दे। तो बिल्कुल, विशाल जूट के जो फादर है वो इस समय यहाँ पर मौजूद थे, उनके भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। संसद संजय भाटिया ने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द विशाल की रिहाई कराने में पूरी कोशिशें की जाएंगी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? वह ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आश्वासन तो दिया, देखते हैं कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं। वैसे तो उन्होंने बोला है कि 5 मिनट में कार्रवाई शुरू कर देंगे, लेकिन देखते हैं फिर अभी क्या हाल निकलता है। हमें वैसे युवाओं से अपील करेंगे, चाहे विदेश में रह रहे हैं, कि आपस में टकराव ना हो, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से झंडे जलाने का काम ना करें। बस विदेश में रहने वाले सभी से प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी धर्म के ऊपर कोई भी ना किसी का झंडा जलाया जाए, ना कोई तोड़फोड़ की जाए, सभी भाई एक साथ रहे, इकट्ठे रहे, सभी मिलकर सबकी हेल्प करें। तो बिल्कुल, इस समय आप देख सकते हैं जो विशाल जूड़ के फादर हैं, उनके भाई हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि एमपी संजय भाटिया से मुलाकात की, एमपी संजय भाटिया ने पूरा आश्वासन दिया कि परिवार को इंसाफ मिलेगा और जो विशाल जूड़ है उसकी जल्द से जल्द रिहाई को लेकर जो है विदेश मंत्रालय से उनकी जो टीम है वो बात करेगी कि कोई एडवोकेट मुहैया कराना है तो एडवोकेट भी उनकी तरफ से मुहैया कराया जाएगा। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज सुबह से इस मामले को बड़े प्रमुखता से उठा रहा है। विदेश में रहने वाले सभी जो हमारे युवा नौजवान भाई हैं उनसे भी हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से नारेबाजी करना छोड़िए, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 साल से लगातार जो वहाँ पर माहौल है वो इसी तरह का हो रहा है और जो शरारती तत्व है, जो शरारती संगठन है, वो यही चाहते हैं कि आपस में आप इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करें, एक दूसरे के झंडे जलाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि आप वहां पढ़ने गए हैं, काम करने गए हैं, नौकरी करने गए हैं, इन चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान जरूर दिया जाए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।